मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक बिहारी 07 में, और मैं प्रिंस कुमार दरभंगा बिहार से। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, और अभी हो रहा है सुबह का 6:30 और मैं हूँ टेंट में, देख सकते हैं आप। और सुबह सुबह अंकल ने चाय भिजवाया, तो सोचिए आप लोगों को पहले दिखा दिया जाए। तो पहले फटाफट से चाय पीते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। और एक बात, साइड में डीएस सो रहा है तो पहले इसको जगाते हैं, और फटाफट चाय पीते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो फाइनली चाय आ चुका है, और पीछे देखिए इनका नाम है गुलशन, और पहली बार हमारे ब्लॉग में देख रहे होंगे इनको। और ये है डीएस, जिनको तो आप हमेशा से जानते हैं। हम लोग अब चाय पियेंगे फटाफट, और चाय पीने के बाद बाहर सूर्य की रोशनी थोड़ा सा सेकेंगे भाई, मतलब विटामिन डी लगाना है, उसके बाद आपसे मिलना है। तो ऐसे हम 3-4 बार बोल दिए आपसे मिलना है, आपसे तो बराबर मिल ही रहे, क्या मिलना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट चाय पीते हैं, फिर बात करते हैं। सो फाइनली चाय पीने के बाद, थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद 8 बज गए थे, और भूख जो है ना, थोड़ा भूख को चुल्ल मचने लगा कि कुछ कुछ थोड़ा खा लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने छोटी सी तैयारी कर लिया कि आज मैगी खा लेते हैं, और अंकल को भी उतना परेशान नहीं करना है, क्योंकि किसी के घर पे रह रहे हैं तो उनको परेशान नहीं करना ही बेहतर होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इधर पानी वानी नीचे से ले आए, और जलावन भी ले आए, और इधर ईंट देख रहे होंगे आप, इसका चूल्हा बनाएंगे, और मैगी वगैरह लाए हैं, इसमें सारा चीज़ रखा हुआ है। वैसे मैगी मेरे बैग में ही पड़ा हुआ था, तो सब कुछ है। तो अब फटाफट से बनाते हैं मैगी, और आज आप लोगों को मैगी खिलाते हैं, और हम भी मैगी खाते हैं। तो चलिए तैयारी करते हैं तब तक, और मिलते हैं मैगी बनने के बाद। सब चीज़ तो हो चुका है, लेकिन हवा इतना तेज चल रहा है ना कि आग जलने ही नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो इसलिए कोशिश करेंगे। और ये देखिए हमारा सारा प्रोजेक्ट, जिससे हम लोग मैगी तैयार करने वाले हैं, और ये देखिए कढ़ाई में तेल वगैरह सब कुछ दे दिए हैं, और बस अब बनने का इंतज़ार है। तो आप लोग बनने दीजिए, फिर हम लोग का चलेगा पार्टी आप लोग के साथ। तो देखते हैं, फटाफट बनाने का कोशिश करते हैं। आग वैसे जल गया है, और अब सही से जल भी रहा है। कुछ देर के बाद देखिए, अब लग रहा है कि तेल हो चुका है, एक मिर्ची डाल के चेक कर लिए हैं, और इसमें सारा मसाला दिया जाएगा। डीएस देखिए एकदम गौर से देख रहा है बंदा कि जल्दी जल्दी बनाओ, भूख बड़ा तेज लगा हुआ है ना। चलो जी, तो इधर तैयारी करते हैं फटाफट। और ये देखिए हम लोग का लकड़ी वगैरह जिससे हम लोग बना रहे हैं, और ये है हमारा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट तो अलग ये है, और ये उसका मटेरियल है। चलिए देखते हैं, फटाफट बनाते हैं। तो फाइनली इतना काम हो चुका है, और प्लेट पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि सारा चीज़ इसमें दे दिए हैं, और डीएस इधर से सारा चीज़ को कवर करते हुए इसका रक्षा कर रहा था कि आग इधर उधर ना हो जाए। और ये हमारा प्यारा सा टेंट, और यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। इधर दीवार, और ये पूरा बस्ती, हस्ती का बस्ती है, और मैगी हो रहा है अभी थोड़ी देर के बाद, देखिए अब क्या होता है।
तो फाइनली गाइस सब चीज हो चुका है और मैगी अब बनने के प्रोसेस पे आ चुका है। और जब तक मैगी बन रहा है तब तक बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं बस मैगी बनने के बाद। तो देख सकते हैं आप लोग मसाला सब कुछ डाल दिए हैं, थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं और थोड़ा मिक्स कर देते हैं। अरे रे, देखिए अब मैगी का जो कलर होता है ओरिजिनल वाला वो आ चुका है। तो फाइनली थोड़ा देर इसको और उबाल आने देते हैं, थोड़ा सा इसको और उबलने देते हैं और उसके बाद इसको इसका सर्वाइव किया जाएगा, इसके साथ इसका सेवन किया जाएगा, ठीक है। और ये देखिए आज बहुत अच्छा एकदम आग भी जल रहा है एकदम बढ़िया से, हम लोग तो सोच रहे थे इतना अच्छा आग जलेगा। तो फाइनली देखिए अब ना लग रहा है कि हाँ बन गया। और ये देखिए उबाल बहुत ही तगड़ा लेवल का है और बहुत बढ़िया ढंग से जलावन भी चल रहा है। और डीएस को देखिए, जिधर जिधर डीएस जाता है उधर उधर धुआं जाता है। तो फाइनली हमारा जो मैगी है वो खाने के योग्य हो चुका है। और ये देख सकते हैं हमारा कैंप जिसमें हम लोग रात गुजार रहे हैं अभी, और पीछे का दृश्य कुछ इस प्रकार का है कि और सब कहियो अहाँ सब ठीक छे, देख रहा छी जना अहाँ सब सपोर्ट करू, प्यार दियो, अहाँ सबके प्यार दुलार ये सब करै छी ना हम, तो ज़्यादा हमरा दिक्कत नहीं दे है, क्या कि अहाँ सब वीडियो देखे छी तो वीडियो का लाइक कर दिल करू और अकर बाद वीडियो अहाँ जब वॉच करै छी तो पूरा वीडियो देखल करू ताकि हमारा हौसला हमर हौसला और बढ़ल रहे और हम ऐसा ऐसा कंटेंट अहाँ सबके बीच लावत रही। तो चलू एक साथ पहले फटाफट से एक निकालै छी, ओकर बाद भूख बहुत तेज लगल है तो तनी पाबि लै छी, ओकर बाद अहाँ से मिलै छी। हाथ बचा के, बहुत गर्म है। Move on. तो फाइनली ये देखिए खाने के लिए तैयार हो चुका है और आप लोग इसका बताइए कैसा मैगी बना होगा। बहुत मेहनत हालांकि लगा है और हमें नहीं लग रहा है कि अच्छा मैगी बना होगा क्योंकि हम ऐसे बनाते तो हैं लेकिन हमें खुद नहीं पता कि हम कैसा बनाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा देख करके ही कि कैसा है, क्योंकि आप लोग तो खा सकते नहीं हैं, उसके लिए सॉरी ब्रो। कभी मौका मिले तो हम अपने कुछ सब्सक्राइबरों को खिलाने का कोशिश करेंगे। फाइनली देखिए बन चुका है और इसको थोड़ा टेंट के अंदर लेके आते हैं, अंदर बैठ के आराम से खाते हैं क्योंकि ऐसे भी धूप भी लगाना ज़रूरी है, बाहर भी खा सकते हैं लेकिन अंदर का मज़ा कुछ अलग ही है। तो अंदर ही लेते हैं और टेंट का ये ऊपर वाला जो प्रथम तब तक मैं खोल देते हैं ना, थोड़ा सही दिखेगा। चलिए ऐसे ही रहिए आप लोग और इसको खोलते हैं पहले। ये देखिए जो है ना ऊपर का लेयर जो है वो हटा दिए क्योंकि ना गर्मी बहुत ही लगता है, समझे, धूप है इसलिए गर्मी बहुत लगता है और इधर से हवा आ जाता है और सामने से हवा आ जाएगा। थोड़ा सा देखिए बाल मतलब गिर भी गया अंदर डालने में। और मैगी तैयार है, थोड़ा थोड़ा खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। थोड़ा सा खा के देखिए बताइए कैसा है, बहुत मेहनत लगा मेरी जान, कैसा है। तो चलिए फटाफट खा करके उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए यार खा लिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और प्लेट हो चुका है खाली, आप लोगों को तो अभी खिला नहीं सकते हैं। कभी आइए हमारे हवेली पे, आपको भी इन्विटेशन देते हैं, आइएगा। और भाई सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अब थोड़ा देर रेस्ट करेंगे हम लोग, क्या पानी वानी पी लेते हैं। और चलिए पहले टेंट के बाहर चलते हैं फिर आपसे बात करते हैं। सो फाइनली सब कुछ हो गया है और खा भी लिए हैं, अब ना तनी अच्छा फील कर रहे हैं, लग रहा है कि हाँ चलो अब तनी पावर आ गया है बॉडी में और अच्छा बोल भी पा रहे हैं अभी ना। और ये देखिए हम लोगों का चूल्हा जिसमें अभी हम लोग
बनाए हुए थे, हालांकि स्टॉक भी है, लेकिन देखिए बचाइए तभी कुछ होगा। तो बचाने के लिए हम लोगों ने चूल्हा ही जला दिया। और ये देखिए हमारा पूरा सामान जिसको निकाले हुए तभी मैगी बनाने में। और ये हमारा पीछे टेंट, और टेंट का कवर जो है हमने हटा दिया है। और क्या बताए, इस तरफ है डीएस। डीएस आ जाओ यार इधर। हाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस, आप लोग भी देख ही लिए होंगे कि हमने फर्स्ट टाइम खुद का खाना बना के खाया। तो बहुत सारे लोग ऐसे चाहते थे कि हम लोग फर्स्ट टाइम खाना बना के खुद से सर्वाइव करके खाएं, तो आज आप लोगों ने देख ही लिया। देख ही लिया। और कैसा था मैगी का? गजब गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लेकिन कभी हम लोग आए तो जैसे होता नहीं, कभी सब्सक्राइबर के साथ कहीं ट्रिप पे गए तो यही बना के आपको खिलाएंगे। जरूर जरूर जरूर। मैं एक बात कहता हूँ, मैं आऊँगा ना अपने गाँव, यानी अपने गाँव आप लोग तो जानते हैं कहाँ, तो आएंगे तो हम अपने कुछ सब्सक्राइबर को जरूर बना के खिलाएंगे अपने हाथ का मैगी, क्योंकि मेरे घर में मेरी बहन को मेरा मैगी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, तो अभी मैं सबको मिस कर रहा हूँ, अपनी बहन को, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने भैया को, मैं सबको मिस कर रहा हूँ। पहले सबसे पहले मिस यू हॉल। और मैं अपने सब बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे गाँव से बिलोंग करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मैं मिस करता हूँ। और चलिए क्या बताएं, आप लोग का प्यार दुलार है तो याद थोड़ा कम आता है, तो याद थोड़ा कम आता है और क्या बताएं। हालांकि मज़ा बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मैं इतना घूम रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है हम बेहतर कर रहे हैं। और जिनको लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक बात बता दें, इतना जो हम घूम रहे हैं, इतना जो कुछ कर रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जब ये सारा ट्रिप ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा और कौन सा राज्य कितना अच्छा है, किस राज्य के व्यक्ति अच्छे होते हैं, कहाँ के क्या वातावरण था, मैं हर एक चीज़ का व्याख्यान करूंगा उस लास्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तो आपको पता चलेगा। मैं यही देखने के लिए बाहर निकला हुआ हूँ कि इंसान, मतलब अलग अलग राज्य के आदमी लोग कैसे होते हैं, कैसे बात करते हैं। मैं हर एक इंसान को देखा हूँ, हर एक राज्य में, हर एक पब्लिकली मैं बात भी किया हूँ हर एक जगह जाके, तो मैं समझ चुका हूँ कि कौन से जगह के आदमी किस तरीके के होते हैं। हालांकि 100 तो नहीं, लेकिन कम से कम 10-20% ज़रूर समझ गया हूँ। और सबसे पहले मैं अपने मम्मी और पापा को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। लव यू मम्मी, लव यू पापा, और मिस यू, बहुत याद आ रहा है। लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरा अपना डेस्टिनेशन कम्प्लीट करने के बाद फिर से आ रहे हैं आप लोगों के पास, तो आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो फाइनली दोस्तों के लिए लव यू यार, तुम लोगों ने तो यार हार्ड ही कर दिया यार, मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, बस थोड़ा सा एक काम कर दो ना यार, वीडियो को भी ना स्किप किए हुए देखा करो पूरा वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।